बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ वैराइटीज के हवाले से, जो यील्ड पोटेंशियल था और मुख्तलिफ दोस्तों से हमें जो उसका फीडबैक आया उसको हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1847 की। 1847 जो मेरे अपने फार्म पे मैंने उसकी हार्वेस्टिंग की, वो 70 जो थी उसकी यील्ड थी, 5.5 एकड़ का ये प्लाट था। और उसके अलावा आज मुझे 5 नवंबर 2023 आज मुझे मास्टर फजल साहब, जो कि हमारे दोस्त हैं चीचा पत्नी से, उनकी उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी बताया और उनकी वीडियो भी आई। उसने माशाल्लाह बहुत सारे फार्मर, कम अज़ कम वहाँ पे कुछ 100-150 फार्मर जो अच्छे फार्मर्स थे वो वहाँ पे बुलाए, और उनकी मौजूदगी में उन्होंने एक मरला जो ज़मीन थी उसकी हार्वेस्टिंग करके, तो उसका जब उन्होंने वज़न किया तो वो माशाल्लाह 95 जो मन थी पर एकड़ उनकी यील्ड वो एक मरले के हिसाब से आ रही थी। इसी तरह और भी कुछ दोस्तों के जो हमारे आए हैं बड़ी अच्छी यील्ड का वो बता रहे हैं। तो ये थी 1847 की जो है ना वो कुछ अभी जो हमें इसकी रिपोर्ट आई है। और उसके अलावा 1886 उसकी माशाल्लाह जो है ना इसकी भी बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो मेरे अपने फॉर्म पे कटा है वो 64 मन है। उसके अलावा अबू बकर वांडो से, अबू बकर हंजरा, तो उनको उनकी जो रिपोर्ट आई है उन्होंने 1.5 एकड़ यानी कि 1 बीघा लगाया था, उसमें उन्होंने बताया कि 33 मन हमारी झील लाई है। और उसके अलावा हमारे एक फार्मर हैं राना उमर मतीन साहब, उनकी 58 मन जो है ना वो पर एकड़ झील आई है। और एक और हमारे फार्मर हैं डॉक्टर असलम बच्चा नौ से, डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद से, उनकी जो है ना वो 64 और 66 दो उनकी दो दफ़ा उन्होंने हार्वेस्टिंग की थी, तो दोनों दफ़ा एक दफ़ा 64 थी और एक दफ़ा 66 थी। इसके अलावा अभी मेरा भी जो कुछ फील्ड है वो हार्वेस्टिंग इंशाल्लाह होगा, उसकी भी देखेंगे। एक सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब हैं ICI के, ये अपना टेरिटरी मैनेजर हैं, उनकी अभी खड़ी हुई है। और जो दोस्त जिन्होंने हार्वेस्टिंग कर ली है वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो ताकि हम इसका जो है ना एक आइडिया लगा सकें कि ये वैरायटी कैसी है। और उसके अलावा आगे हमारे पास कुछ रिपोर्ट सही हैं 1885 की। 1885 मास्टर फलकशेर साहब ने अभी तक जो है ना वो हार्वेस्ट किया है, तो वो माशाल्लाह बड़ी जो है ना वो अच्छी उनकी रिपोर्ट है। उनकी भी तकरीबन को 80+ के करीब जो है ना वो बता रहे हैं। और बाकी अभी कुछ इसके फील्ड जो है ना वो हार्वेस्टिंग होने वाले हैं, तो जैसे ही इनकी भी हार्वेस्टिंग की रिपोर्ट आती है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके जो अगला हमारा सेगमेंट है ये हार्वेस्टिंग के बाद, वो है इसकी हस्किंग और कुकिंग, वो भी इंशाल्लाह हम इसकी फौरन जो है ना वो करके आपको बताएंगे। और PB7 माशाल्लाह PB7 की बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तलिफ दोस्तों के हवाले से। 55 से लेके 65 तक जो है ना उसकी यील्ड आ रही है मुख्तलिफ दोस्तों से जो हमें इसकी रिपोर्ट आई है। तो 11-21 इस दफ़ा या सुपर कर्नल ने इस दफ़ा जो हमें बिल्कुल बहुत मायूस किया है यील्ड के हवाले से, जैसे हमारा नारोवाल का एरिया है, मंडी बहाउद्दीन का एरिया है, हाफजाबाद का एरिया है, और उसके अलावा मरीद के एरिया, सियालकोट का एरिया, यहाँ पे यील्ड बहुत कम आ रही है। तो हमारी अपने फार्मर्स को ये तजवीज़ है कि आप इसको रिप्लेस करें 1886 से PB7 से, और उसके अलावा जो है ना वो 1885 और 1847 से। और जो बासमती के इलाके हैं वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1886 को रिप्लेस करें और PB7 को। इन पे एक तो डिजीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंट्रोल है, और सेकंडली जो इस पे सबसे बड़ा है वो है कि इस पे अपना जो है ना यील्ड भी अच्छी है। और इसका चावल जो कि एक बंदे ने थोड़ा सा भी छोटी मशीन से उसको करवाया वो माशाल्लाह बहुत खुश है और बता रहा है कि बहुत अच्छा चावल है। सुबह उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी, और नेक्स्ट मंथ हम अपनी मिल से भी इसका आपको रिव्यू दे देंगे कि इसकी कुकिंग क्वालिटी और हस्किंग क्वालिटी कैसी है।